मॉर्निंग गाइस, सो के उठाऊँ जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि बिल्कुल बीच पे है रूम और यहाँ से बीच दिखता है, तो सनराइज़ तो नहीं, सनराइज़ होने वाला है एक्चुअली, पीछे उधर है ना, सनराइज़ होने वाला है। बट मैं तो तैयार होकर जा रहा हूँ अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए और फॉर द मोस्ट पार्ट मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाऊँगा आज, बट जो भी मुझे मिलेगा मौका मैं आपको पक्का दिखाता हूँ इस वीडियो में, तो बने रहिए, जुड़े रहिए, दिखाते हैं आपको। इट्स गुड टू सी कि देखो सुबह सुबह लोग बीच पे आए हुए हैं। ये मेरी कॉन्फ्रेंस लुक, तो बिजनेस कैजुअल अटायर है, तो मैंने बेसिकली एक पोलो टी शर्ट पहनी है, बेल्ट एंड जीन्स जो कि वैसी है ट्राउज़र जैसी लग रही है और नीचे शूज़। तो ये मेरी कॉन्फ्रेंस लुक गाइस, चलो चलें मिलते हैं आपसे दोबारा। और गाइस एक दिन के बाद अब फाइनली बीच का टाइम आ गया है, तो आपने कल मुझे देखा था, वो कल का दिन था बाय द वे, वो लाल कपड़ों में जब मैं था, पूरा दिन हो गया बिल्कुल टाइम नहीं मिला बीच पे जाने का, कॉन्फ्रेंस में इतने बिजी थे, और फिर यू नो रात को डिनर, डिनर के बाद सो गए, रात को अंधेरा हो गया, अब जाके बीच का टाइम आया है फाइनली। मैं आपको बीच तो दिखा दूँ एटलीस्ट, और मैं भी हो गया हूँ राइट। सो हे वी आर, अब डैलस में रह के बीच को इतना मिस किया है, तो मैं क्या फ्लोरिडा में बीच तो आएंगे राइट। तो दिस इज, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए, एलए में होता है पैसिफिक ओशन, एलए के पास, तो वो होता है ब्लू पानी, यहाँ पर होता है ग्रीन पानी, ये है अटलांटिक ओशन। बट कौन सा होटल है मेरा, ये इधर की है बिल्कुल, ये वेस्टर्न सामने, आउटडेटेड है, बड़ा बेकार से लगा होटल, मज़ा नहीं आया। ये बाजू में भी एक ये डब्लू होटल है, ये थोड़ा बेटर है उससे, पर पता नहीं इसमें मिला मुझे, ऑफिस का था ना, ऑफिस की ट्रिप है। और एक दो कमेंट्स लूँगा, आपने एक दो कमेंट में बोला था मुझे कि शिल्पा क्यों नहीं आई, गुड क्वेश्चन गाइस। तो आप बड़ी टैडी की भी तो बड़ी टैडी की टेक केयर करनी थी ना किसी ने, और फिर शिल्पा वर्किंग भी थी और मैं भी वर्किंग हूँ कॉन्फ्रेंस में, वो बोर हो जाती यहाँ पे आती, तो फिर इसलिए मैं चल छोड़ मैं आता हूँ, तीन दिन की बात थी। दूसरा एक था कि वेदर कैसा है बताना, वेदर बहुत प्रेजेंट है गाइस, बिल्कुल देख लो मस्त, क्या बोलते बिल्कुल परफेक्ट बीच वाला वेदर हो रहा है। अकेला हूँ इसमें, एक दोस्त को बोला है आ जाए तो आ जाए, वरना पता नहीं पानी में जाऊँगा नहीं जाऊँगा, बहुत लोग बैठे हुए हैं एज यूजुअल, बीच का मज़ा ले रहे हैं सब, धूप सेक रहे हैं, विटामिन डी पूरी कर रहे हैं अपनी। तो अपेरेंटली ये जो चेयर्स हैं सारी, ये जो सामने होटल्स होते हैं ना उनकी चेयर्स है, तो इसलिए जो पीछे मेरा होटल तो पीछे चला गया, तो मैं बैठ सकता हूँ किसी चेयर पे, क्योंकि मैं वेस्टर्न का कस्टमर हूँ, गेस्ट हूँ, बैठ सकता हूँ, तो फ्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है। वाटर स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं आगे, पर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं आई थिंक बस एक घंटे के लिए आया हूँ, फिर मेरे को निकलना है एयरपोर्ट के लिए। सामने जेट्स की वगैरह कर रहे हैं लोग, पैरासेलिंग हो रही है, मैं मायामी भी आया हूँ कई बार गाइस, मायामी जब मैं आया हूँ आता हूँ तो यूजली मैं वाटर स्पोर्ट्स ज़रूर करता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। वो देखो वो रखी जेट्स की, वहाँ पर लोग वाटर स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं। ओके चलो जूम करके देखते हैं, ये देखूँ कितने की देते हैं, देख लेता हूँ, कर तो रहे लोग करने वाले, हाउ मच इज इट मैन, नो सब बाय माय सेल्फ, इट्स $100 फॉर 30 मिनट्स एंड 64 आवर, परफेक्ट, सो $100 फॉर 30 मिनट्स यू सेड एंड देन ऑल द, ओके परफेक्ट थैंक यू, $100 फॉर 30 मिनट्स ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही किया हुआ है $100 फॉर एक घंटा किया हुआ है शायद, याद आ रहा है मुझे, और हाँ ऑब्वियसली इन्फ्लेशन गाइस, पेट्रोल के पैसे बढ़ गए, बहुत चीज़ें महंगी होगी राइट। अब जैसे जैसे कि वीकेंड आ रहा है पास में, भीड़ थोड़ी शुरू हो गई है, एक्टिविटी शुरू हो गई है, क्योंकि सारा बीच वाला एरिया है। हाँ सोच रहा हूँ चली जाता हूँ वापस, ओके मैं चलो थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, मैं भी बीच के मज़े ले लूँ। अरे जैसे एडवर्टीजमेंट हो रही है यहाँ पे ना, ऐसे बीच के ऊपर लेन से एडवर्टीजमेंट करते हैं, कुछ तो चल रहा है ऐड का, पता नहीं बार बार का,
ग्रीन ग्रीन पानी है, कैलिफोर्निया का ब्लू ब्लू पानी था, यहाँ का ग्रीन होता है। अच्छा है, मज़ा आ रहा है। अभी भी 2 घंटे की कॉन्फ्रेंस बची थी, मैं छोड़ के आ गया। मैं तो भाई मैं तो जा रहा हूँ बीच पे जा, अब आया हूँ तो बीच में थोड़ा तो जाने का मौका मिले, फिर बस इधर डायरेक्ट एयरपोर्ट चला जाऊँगा यहाँ से। इट्स ओके, इतना भी क्या है। अरे डॉगी घुमा रहे बीच पे, डॉगी डॉगी दैट्स अ बीगल। बीगल है, कौन सा है? बीगल लग रहा है, सही यार, मस्त है डॉगी। बीगल नहीं था, कोई और था। और यूजुअली वैसे डॉग बीच है ना, अलग होता है ये, पता नहीं ऐसे ही घुमा रहे हैं शायद, क्योंकि ये डॉग बीच नहीं है। डॉग बीच सिर्फ डॉग्स के लिए होता है, अभी लोग जा सकते हैं और वहाँ पे डॉग्स होते हैं। ऐसे लाइक रेगुलर बीच पे आप डॉग्स आई डोंट थिंक ला सकते हो, आई डोंट नो। चलो गाइस चलता हूँ मैं, इससे पहले कि मेरे होटल वाले मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दें। चेकआउट का टाइम हो चुका है, लेट चेकआउट भी ले चुका हूँ, वो भी ख़त्म होने वाला है। तो चलते हैं ज़रा रूम पे अपने और बंद करता हूँ ये वाला ब्लॉग और यहाँ से चलते हैं बाय फ्लोरिडा, बाय फोर्ट लॉडरडेल। मज़ा आया गाइस, एक बार फिर से देख लें आप भी, और फिर से डैलस चलते हैं। बड़ी डैडी से मिलते हैं, शिल्पा से मिलते हैं। ये क्या चल रहा है छत पे? होटल की छत पे इतने पंखे क्यों चल रहे हैं? ये क्या ऐसी होगा, विंड मिल तो नहीं होगी। ऑलराइट गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, और मज़े की बात ऊबर ड्राइवर जो मेरा है उसको इंग्लिश नहीं आती, मुझे स्पेनिश नहीं आती, वो मेक्सिको से है और मुझे स्पेनिश नहीं आती थी, तो बड़ा फनी हो रहा है। अंद्रेस नो इंग्लिश? नादा, जीरो, नो स्पेन्योल, नो स्पेन्योल। सो वेरी बिजी, यस। यू लाइक इट हियर? यू लाइक इट हियर? एंजॉय फ्लोरिडा? देखो गाइस कुछ नहीं आता उसे। मैं भी कैसे बात करूँ, मुझे भी नहीं आती स्पेन्योल। मैंने उसे क्वेश्चन पूछा, उसे आता ही नहीं। एनीवे बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, देखो कन्वर्टेबल लोग कार चला रहे हैं बाहर। सो यू फ्रॉम मैक्सिको? कोलंबिया। ओके ओके, योर कार स्मेल्स नाइस, गुड स्मेल। इट्स ओके, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या बोला। यू लाइक स्पेनिश म्यूजिक? म्यूजिक स्पेनिश म्यूजिक, यस। सी टर्मिनल क्वात्रो, सी, ओके, ग्रासियस, ग्रासियस, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। उधर की लाइन देखो कितनी भरी हुई है और मेरी खाली पड़ी है, देखो रीचेक। ओके, इस बार ये फ्लाइट एटलीस्ट टाइम पे है, पिछली बार तो बहुत डिले हुई थी। रात को 9 बजे तक घर पहुँचाऊँगा, हाँ एयरपोर्ट पहुँचाऊँगा, वहाँ से बैग पिक करके फिर घर। अब पता क्या हुआ, अभी मेरे बैग में बहुत सारा सामान था ना, जैसे कि फ़ोन, वॉलेट, हेडफोन, माइक और बड़े वाला मफलर माइक का, एक स्टैंड और बहुत सारी चीज़ें थी। तो TSA वाले बंदों को 6 बंदे लग गए मेरे बैग देखने में एक्सरे के थ्रू, उन्होंने खोला नहीं बट अब लाइक कि पीछे के लोगों की लाइन मैंने रोकी हुई थी। पहुँच गए गाइस, डैलस पहुँच गए, बैग की वेट कर रहा हूँ। काफ़ी डिले हो गई फ्लाइट आज भी, अभी आते आते, क्योंकि यहाँ बारिश वारिश हो रही थी, उस वेदर की वजह से डिले हो गया, बट फाइनली बैग लेके घर चलते हैं, ऊपर पड़ेंगे, डिनर भी नहीं गया है, घर पहुँच के डिनर करेंगे। अब रात के बज गए 10, अभी बस सब कुछ बंद हो गया यहाँ, तो घर पहुँच के डिनर करेंगे। अपना गाइस ऊबर आने वाली है और अभी भी 1 घंटा लगेगा, घर पहुँच के खाना खाएंगे। अब तो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, देख रहे हो। कौन है?
कौन है भाई, अरे कौन है भाई, अभी तो मिल लो भाई, पहले तो मिल लो। अरे मिस किया क्या, मिस किया जो ओले चलो। चलो गाइस फाइनली आगे घर, हम ट्रिप हो गई खत्म, मिलते हैं आपसे कल से रेगुलर व्लॉग्स में आएंगे इस चैनल पे, और एक सरप्राइज है, एक डॉगी आ रहा है एक और कल ही आ रहे तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में गाइस, कीप वॉचिंग आर अमेरिकन ड्रीम, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बाय गाइस।